इस क्वेश्चन में कह रहा है इन थ्री डिजिट नंबर नंबर एक थ्री डिजिट डिजिट है टेंस यूनिट डिजिट जो हंड्रेड डिजिट है वो फोर टाइम्स है यूनिट डिजिट का ऑल्सो द सम ऑफ द डिजिट इज सिक्सटीन और तीनों डिजिट्स का सम सिक्सटीन है और हमें नंबर निकालना है तो कैसे करेंगे देखिए अब हमें थ्री डिजिट नंबर नहीं पता है लेकिन एक चीज आप कॉमन देखेंगे टेंस डिजिट भी थ्राइस है यूनिट डिजिट का और हंड्रेड डिजिट भी फोर टाइम्स है यूनिट डिजिट का तो दोनों के केस में क्या कॉमन आ रहा है यूनिट डिजिट तो अगर हमें यूनिट डिजिट पता चल जाएगी तो हमें टेंस डिजिट भी पता चल जाएगी और हंड्रेड डिजिट भी पता चल जाएगी तो लेट कर लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट बी यूनिट डिजिट बी एक्स एक्स है तो अगर यूनिट डिजिट एक्स है तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगी टेंस डिजिट हो जाएगी हमारी देखिए वो क्या कह रहा था थ्राइस है यूनिट डिजिट का तो थ्री टाइम्स हो गई यूनिट डिजिट का तो दैट मीन्स थ्री एक्स हो गई अब इसी तरीके से हंड्रेड डिजिट निकाल लेंगे तो हंड्रेड्स डिजिट क्या आ जाएगी देखिए हंड्रेड डिजिट जो है फोर टाइम्स है यूनिट डिजिट का तो फोर इन यूनिट डिजिट क्या थी एक्स तो हमारी फोर एक्स आ गई अब वो कह रहे हैं इन तीनों डिजिट का सम सम ऑफ़ द डिजिट्स ये ये और ये इन तीनों डिजिट का सम कितना है सिक्सटीन है तो वही लिख देंगे एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स तीनों डिजिट का सम हमारा सिक्सटीन है और हमें नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए तीनों एक्स की टर्म्स है तो आपस में ऐड हो गई साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया तो एक्स कितना आ गया और एट में आ गया। तो एट, आ एट एट टू गया तो हमारा एक्स कितना आ गया टू आ गया अब जब x टू आ गया मतलब यूनिट डिजिट हमारी 2 आ गई तो हम टेंस और हंड्रेड डिजिट निकाल सकते हैं <coughs> तो टेंस डिजिट कितनी आ गई थ्री टाइम्स था यूनिट डिजिट का दैट इज थ्री एक्स तो ये आ गया टू इंटू थ्री तो ये आ गई सिक्स और इसी तरीके से हंड्रेड डिजिट हंड्रेड डिजिट कितनी आ गई ये फोर टाइम्स था यूनिट डिजिट का तो फोर इंटू टू दैट इज एट आ गई तो हमारा थ्री डिजिट नंबर क्या बन जाएगा देखिए हंड्रेड प्लेस पे हम एट रखेंगे कैसे पता चला हंड्रेड प्लेस पे एट डिजिट सिक्स और यूनिट डिजिट हमारी टू आई थी तो नंबर क्या हो गया एट सिक्स टू इज द आंसर इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं मैं दोनों तरीके बताऊंगी अब चलिए करते हैं दूसरा मेथड और अब देखिए हमें थ्री डिजिट नंबर निकालना है तो हम लेट कर लेंगे थ्री डिजिट नंबर को लेट थ्री डिजिट नंबर बी तीन डिजिट नंबर है और तीनों अलग अलग होंगी तो एक्स वाई एंड जेड तो राइट तो ये हमें पता है ये हंड्रेड डिजिट हो गई ये टेंस डिजिट हो गई और ये यूनिट डिजिट हो गई अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाएगा वैसे वैसे करते चले जाएंगे जो टेंस डिजिट है वो थ्राइस है यूनिट डिजिट का टेंस डिजिट कौन सी है वाई है तो Y जो है थ्री टाइम्स है यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट क्या है z तो थ्री हो गई थ्री हो गई राइट right? अब आगे क्या कह रहा है अब जो हंड्रेड डिजिट है हंड्रेड डिजिट क्या है एक्स तो जो हंड्रेड डिजिट है वो फोर टाइम्स है यूनिट डिजिट का तो कितना आ गया फोर जेड आ गया अब वो कह रहा है इन तीनों डिजिट का सम सिक्सटीन है तो स, स, तीनों डिजिट कौन सी हो गई यूनिट डिजिट तो जेड है ही राइट right? तो हंड्रेड डिजिट क्या थी फोर जेड टेंट डिजिट क्या थी थ्री जेड और यूनिट डिजिट क्या थी जेड क्वल टू सिक्सटीन अब देखिए तीनों आपस में एड हो गई तो एट 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 टू जा सिक्स तो z की वैल्यू कितनी आ गई टू आ गई तो, तो, तो अब हम हंड्रेड और टेंस डिजिट निकाल लेंगे देखिए साइड में ही कर रही हूं अब देखिए अब Z पता चल गया टू है हमारा Z टू है राइट right? तो X कितना आ जाएगा तो Y कितना आ जाएगा थ्री इंटू जेड दैट इज थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स आ गया इसी तरीके से X देखिए फोर जेड था तो फोर इंटू टू आ गया दैट इज एट तो थ्री डिजिट नंबर कितना हो गया थ्री डिजिट नंबर यहां देखिए पहले किसकी वैल्यू लिखनी है एक्स की दैट इज एट फिर वाई की वैल्यू लिखनी है तो वाई कितना है सिक्स और फिर जेड की वैल्यू लिखनी है जो कितनी है टू तो देखिए अगर आप देखेंगे दोनों आंसर्स ये भी एट सिक्सटी टू आया है और ये भी हमारा एट सिक्सटी ही आया तो दोनों आंसर सेम आ गए तो आप कोई सा भी मेथड करके आए आंसर करेक्ट ही आएगा आंसर